कभी कभी जाने अनजाने में हम उन चीजों के साक्षी बन जाते हैं जिनके बारे में ना तो हमें कुछ पता होता है और ना ही हमने कभी उन चीजों की कोई कल्पना की होती है। पर जब ऐसा कुछ घटता है तो वो बिल्कुल ही अकल्पनीय होता है। आज ठीक ऐसा ही कुछ राजू के साथ भी घटित हुआ था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, माइडॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 257। राजू अपने मम्मी पापा के साथ मोतिहारी के एक मोहल्ले में रहता था। पिता सरकारी ऑफिसर थे और माँ एक गृहिणी। वैसे राजू का सारा बचपन तो मोतिहारी में ही गुजरा था, पर पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी किस्मत अजमाइश के लिए दिल्ली आ गया था और ऊपर वाले की असीम कृपा से उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई। समय भी करवटें बदलने लगा। दिन रात महीने और साल कैलेंडर के पन्नों में अपनी हाजिरी लगाने लगे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजू के जीवन की दिशा को ही मोड़ दिया। राजू हर रोज की तरह आज भी ऑफिस से आकर बालकनी में बैठा चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा था। हवाएं भी मंद मंद चल रही थी, गमले के फूल खिलखिला रहे थे, चिड़ियां चहचहा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपने अद्भुत सौंदर्य के दृश्य का एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली है। राजू भी इन प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यों में कुछ डूब सा गया था कि तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी। तुम मुझसे मिलने कब आओगे? ये आवाज राजू के ठीक पीछे से आई थी। राजू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क की तरंगों को बड़े ही जोर से झंझोड़ दिया हो। वो घबराया हुआ पीछे मुड़कर देखने लगा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वैसे उसका घबराना भी लाजमी था क्योंकि वो पिछले 4 सालों से इस घर में अकेला ही रह रहा था। काम वाली बाई भी आती थी लेकिन वो भी 1 महीने से काम पे नहीं आ रही थी, तो फिर ये आवाज आखिर थी किसकी? राजू को जब आसपास कोई ना दिखा तो वो अपने कमरे के अंदर जाकर खुद की तसल्ली करने लगा। पर कमरे के अंदर भी किसी को ना पाकर उसने सोचा कि शायद ये उसका बहम है और कुछ नहीं। समय ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली और सब कुछ ठीक चलने लगा। राजू ने भी उस बीती हुई बात को अपना बहम समझ के भुला दिया था, पर वो बीती हुई बात कोई बहम नहीं थी, वो तो किसी अनहोनी की पहली दस्तक थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक रात राजू चिल्लाता हुआ अपनी नींद से जागा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, वो सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि शायद वो पूरे तरीके से डर चुका था और उसने कोई डरावना सपना देखा होगा। पर सपना क्या था ये उसको याद नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाला तो उसे याद आया कि उसने कोई धुंधली आकृति देखी थी, लेकिन चौंकने वाली बात ये थी कि उस आकृति की आवाज वही प्रश्न पूछ रही थी जो कुछ दिनों पहले राजू ने अपने कानों में सुना था। तुम मुझसे मिलने कब आओगे? अब तो जैसे राजू के पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसकी आंखों के सामने तो एक पल को जैसे अंधेरा छा गया था। अब उसके सबर ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी और हिम्मत भी टूट चुकी थी, लेकिन गला प्यास से सूखा जा रहा था। वो करता भी तो क्या करता। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बड़ी हिम्मत करके किचन में पानी पीने के लिए आया। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर अभी पीने को हुआ ही था कि तभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज हुई। राजू का शरीर एक बार फिर डर से कांपने लगा। उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे कि उसके हाथों से पानी की बोतल जमीन पे गिरी। वो इतना डर चुका था कि बिना कुछ जाने वो अपने कमरे की ओर तेजी से भागा।
कि तभी किचन से एक बिल्ली की आवाज आने लगी। उसे समझ तो आ ही गया था कि किचन में बर्तन इस बिल्ली की वजह से ही गिरे थे, पर वो इतना डर चुका था कि अब उसे किचन में वापस जाने की हिम्मत नहीं थी। वो कमरे में आकर एक सहमे हुए बच्चे की तरह अपने बिस्तर में दुबक गया। अब नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। वो सुबह के 6 बजने तक जैसे तैसे अपने बिस्तर में लेटा रहा। सुबह के 6 बजते ही राजू जल्दी से फ्रेश हुआ और अपने ऑफिस को जल्दी ही चला गया। राजू के ऑफिस में उसके कई मित्र थे, पर उसमें साहिल ही अकेला था जिससे राजू अपनी हर बात और हर प्रॉब्लम को साझा करता था। लंच का वक्त हो चुका था, इसलिए साहिल ने राजू को बोला, अबे यार तू कहाँ खोया है, सब ठीक तो है ना? ये सुनते ही राजू ने साहिल की तरफ कुछ सोचते हुए बोला, हाँ यार सब ठीक है। ये सुनते ही साहिल ने राजू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ठीक है चल जल्दी लंच करते हैं। ये बातें करते हुए वो दोनों कैंटीन की तरफ चले गए। चेयर पर बैठते हुए साहिल ने एक बार फिर पूछा, यार तुझे पिछले कई सालों से जानता हूँ, तुम इतने सीरियस और गुमसुम तो कभी नहीं थे, आज ऐसी क्या बात है? वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तक गायब हो गई? ये सुनते ही राजू ने साहिल की तरफ देखते हुए बोला, पहले तू प्रॉमिस कर कि तू मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। ये सुनते ही साहिल ने बोला, अरे यार कैसी बातें कर रहा है तू, छोड़ इन बातों को और अपनी प्रॉब्लम बता। इसके बाद राजू ने अपनी सारी आपबीती साहिल को बता दी। साहिल ने काफी हैरानी के साथ राजू की तरफ देखते हुए बोला, देख यार भूत प्रेत जैसी बातों पे मैं विश्वास नहीं करता, पर तू कह रहा है तो मान लेता हूँ, लेकिन ये तेरा बहम भी हो सकता है यार। ये सुनते ही राजू ने थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, यार बहम एक बार होता है, बार बार नहीं, मुझे पहले ही पता था सबकी तरह तू भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। इस पे साहिल ने राजू को समझाते हुए बोला, सॉरी यार पर मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, सुन मेरी बात मान तो कुछ दिन के लिए तू मोतिहारी चला जा, अपने घर वालों से मिल भी लेगा और क्या पता ये चीजें ठीक भी हो जाएं, वैसे भी तूने लंबे समय से कोई छुट्टी नहीं ली। इस पे राजू ने थोड़ा सोचते हुए बोला, यार तू ठीक बोल रहा है, मैं कल ही घर के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन तेरी एक मदद चाहिए, आज रात तू मेरे साथ मेरे रूम पे चल। ये सुनते ही साहिल ने इस बात पे हामी भरी और फिर दोनों ऑफिस के बाद राजू के घर के लिए चले गए। और रात में साहिल ने हर चीज पे ध्यान रखा, ना तो कोई आवाज सुनाई थी और ना ही किचन में कोई बर्तन गिरा। इस पे साहिल का बोलना था, देख राजू मुझे लगता है ये सब तेरा बहम था और कुछ नहीं, अब तो आधी रात भी हो गई है पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ये सुनते ही आसपास देखता हुआ राजू बोला, पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अगर कोई सबूत होता तो मैं तुझे बता पाता कि मुझे कोई बहम नहीं हुआ था। काफी देर तक दोनों बातें करते रहे और बातें करते करते ही कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। राजू की सुबह आंख खुली तो सौरभ ने वॉशरूम से आवाज लगाते हुए कहा, राजू जल्दी कर ट्रेन ना छूट जाए यार। ये सुनते ही अलसाए हुए राजू ने कहा, नहीं छूटेगी यार, मैं अभी रेडी होता हूँ, तू सामान बाहर निकाल। और थोड़ी ही देर में दोनों रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। साहिल राजू को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर खुद ऑफिस के लिए चला गया। इधर राजू भी ट्रेन में बैठकर अपने होम टाउन के लिए रवाना हुआ। लगभग 16 घंटे की यात्रा के बाद राजू अपने घर पहुंच चुका था। वहां अपने माँ पापा से मिलकर वो काफी खुश था। राजू यहाँ आके लगभग पिछली बातों को तो भूल ही गया था, उसके दिन अच्छे गुजरने लगे थे। पर तभी एक दिन अचानक रात के तकरीबन 12 बज रहे थे कि एक अजीब सी होती आवाज से राजू की आंख खुली। राजू काफी गहरी नींद में था, वो जरा सा उठा और करवट बदल कर
एक बार फिर सो गया। अभी राजू को करवट लिए लगभग 10 मिनट हुए होंगे कि तभी राजू के कमरे में किसी के रोने की सिसकियों की आवाज आने लगी। और अब ये सुनकर राजू एकदम से उठा और लाइट जलाकर चारों तरफ देखने लगा, पर पूरे कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। अपना बहम मानकर राजू ने टेबल पर रखे गिलास से पानी पिया और लाइट बुझाने को अभी हुआ ही था कि तभी एक बार फिर लड़की के रोने की सिसकियों की आवाज राजू को अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। और अब ये आवाज राजू के कमरे की खिड़की से आ रही थी। ये सुनकर सारी पुरानी घटनाएं अब राजू के दिमाग में घूमने लगी थी। धीरे धीरे वो खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। अभी भी वो सिसकियों की आवाजें खिड़की की तरफ से आ रही थी। खिड़की के बिल्कुल करीब पहुंचकर राजू ने धीरे से खिड़की को खोलकर देखा तो एकदम से वो सिसकियों की आती आवाज बंद हो गई। राजू ने कमरे की होती रोशनी में बाहर झांक कर देखा तो बाहर काले घने अंधेरे में एक अजीब से सन्नाटे के अलावा और कोई दिखाई नहीं दिया। राजू ने जल्दी से खिड़की को बंद किया और लाइट बंद करके एक बार फिर बिस्तर में दुबक गया। पर अभी राजू को एक बार फिर से नींद आती, उससे पहले ही राजू के कानों में बिल्कुल करीब आकर उसी पुरानी आवाज ने कहा, तुम मुझसे मिलने कब आओगे? ये सुनते ही एक बार फिर राजू के हाथ पैर कांप चुके थे। वो एक झटके में उठा और कमरे की लाइट जलाकर चारों तरफ देखने लगा, पर एक बार फिर पूरे कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। डरे हुए राजू को ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा था। राजू अब इन घटनाओं से तंग आ चुका था। पूरी रात राजू सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह हुई तो राजू ने ये सारी घटना अपने माँ पापा को बताना चाहा, पर वो भी परेशान होंगे यही सोचकर वो चुप रहा। पूरा दिन राजू इन्हीं घटनाओं के बारे में सोचता रहा। शाम हुई और शाम के बाद रात हुई। खाना पीना करके राजू एक बार फिर सोने के लिए अपने कमरे में आ गया। बिस्तर पर बैठा राजू कमरे के हर कोने को बड़े ध्यान से देख रहा था कि कोई आवाज होगी। यही सब करते हुए तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। अब नींद भी राजू को काफी आ रही थी। आज कुछ नहीं होगा यही सोचकर राजू सो गया। तकरीबन रात 2 बजे किसी के बात करने की आवाज से राजू की आंख खुली तो आसपास का नजारा देखकर राजू के होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो सोया तो अपने कमरे में था पर वो अभी उठा तो वो किसी खंडहर में था। राजू उठा और चारों तरफ देखने लगा। तभी वो किसी के बात करने की आवाज और ज्यादा आने लगी। राजू वहां से उस आवाज को सुनता हुआ आगे की तरफ पढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर जाकर राजू एकदम से रुका, क्योंकि उसके ठीक सामने एक लड़का और लड़की खड़े बात कर रहे थे। इतनी दूर से उन्हें देख पाना काफी मुश्किल था। राजू दीवार के सहारे छुपता हुआ उन्हीं की तरफ पढ़ने लगा। थोड़ा और करीब जाकर देखा तो वो लड़का उस लड़की से कुछ बोल रहा था। राजू की तरफ उस लड़के की पीठ थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था कि तभी राजू ने सुना, उस लड़के ने थोड़ा जल्दबाजी में कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा माही, तू मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो लड़का वहां से जाने को पीछे मुड़ा ही था तो उसका चेहरा देखकर राजू की सांसें तक रुक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि खुद राजू ही था। राजू कुछ समझ पाता
इससे पहले ही उस लड़की ने राजू की तरफ देखा और चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मुझसे मिलने कब आओगे? डरा हुआ राजू उस खंडर से बाहर की तरफ भागा, तो बाहर निकलते ही उसे समझ आ चुका था कि वो अपने गांव से थोड़ी ही दूर बने खंडर पर पहुंच चुका था। राजू तेजी से अपने घर की तरफ अंधाधुंध भाग रहा था, जब उसे महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे से काफी लोग मानो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे ही भाग रहे थे। ये जो भी राजू के साथ हो रहा था वो उसकी सोच और समझ से बिल्कुल परे था। राजू यही सोच रहा था कि आखिर कौन थी वो लड़की और क्यों बार बार उसे ये आवाजें और उसके साथ ये घटनाएं हो रही थी। ये सब सोचता हुआ राजू भागते भागते किसी चीज से टकरा कर जमीन पर गिरा। पीछे मुड़कर देखा तो कई लोग हाथों में डंडे और कई नुकीले हथियार लिए राजू के पीछे से ही भाग रहे थे और राजू के करीब पहुंचते ही पागलों की तरह उस पर बरस पड़े। घबराता हुआ राजू जोर से चिल्लाता हुआ उठा, आसपास देखा तो वो अपने कमरे में ही था। राजू के चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उसके मम्मी पापा भी उठकर दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। राजू की हालत पसीने से ऐसी थी कि मानो अभी अभी उसे पानी से निकाला गया था। ये देखकर राजू के पापा ने पूछा, अरे क्या हुआ बेटा, तुम चिल्लाए क्यों? इस पे डरे हुए राजू का बताना था कि कुछ नहीं हुआ पापा, बुरा सपना देख लिया था। थोड़ी देर राजू के कमरे में बैठने के बाद राजू के मम्मी पापा सोने चले गए, पर राजू अभी भी जाग रहा था। वो काफी डर चुका था क्योंकि पहले सिर्फ आवाजें सुनाई देती थी, पर अब तो राजू को सपने में चेहरे नजर आने लगे थे। अब तो राजू को आए दिन यही सपने पड़ने लगे जिसमें एक लड़की बार बार एक ही बात कहती थी कि तुम मुझसे मिलने कब आओगे। उधर राजू हर बार अपने मम्मी पापा को बुरा सपना बोलकर बातों को टाल देता था, पर राजू को लग रहा था कि सपने वाले उस खंडहर में कुछ तो ऐसा था जो वो पहले से जानता था, लेकिन राजू को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अपनी तसल्ली के लिए राजू ने उस खंडहर में जाने की सोची। उसने मन में ही ये निश्चय कर लिया था कि कल ही वो उस खंडहर को देखने जाएगा और अगले ही दिन वो हिम्मत करके उस खंडहर की तरफ निकला और तकरीबन आधे घंटे में वो उस खंडहर के सामने खड़ा था। पर राजू को उस खंडहर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी देर सोचने के बाद राजू उस खंडहर में जाने को अभी हुआ ही था कि तभी पीछे से आती एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। कहाँ जाना है बेटा? राजू ने पलटकर पीछे देखा तो एक काफी बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। राजू ने उस बूढ़े व्यक्ति से उस खंडहर के बारे में पूछने का सोचा और उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ बढ़ते हुए राजू ने पूछा, बाबा ये खंडहर के बारे में कुछ पता है क्या आपको? ये सुनते ही एक पत्थर पर बैठते हुए उस बूढ़े आदमी का बताना था, बहुत सालों पहले की बात है जब ये खंडहर खंडहर नहीं बल्कि एक जमींदार का घर हुआ करता था। उस जमींदार की बेटी को यहीं थोड़ी दूरी पर रह रहे एक गरीब किसान के लड़के से प्रेम हो गया था, पर जमींदार को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस वजह से जमींदार की लड़की और उस किसान लड़के ने घर से भागकर शादी करने की सोची। और जब एक दिन जमींदार और उसकी पत्नी कहीं बाहर गए हुए थे तो वो लड़का जमींदार के घर पहुंच गया, जिन्हें मिलते हुए जमींदार के एक नौकर ने देख लिया। और ये बात जब जमींदार को पता लगी तो जमींदार ने अपने लोगों द्वारा उस किसान के लड़के को मरवा डाला। उसके बाद से वो लड़की पागल सी हो गई थी। कई दिनों तक वो पागलों की तरह बड़बड़ाती रही और एक रात उसने सबके सो जाने के बाद खुद को और इस पूरे घर को आग लगा डाली। गांव वालों ने आग बुझाने की काफी कोशिशें की पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़की और उसके माँ बाप भी इसी घर में जलकर राख हो चुके थे। तब से ये खंडहर इसी हालत में खड़ा है और लोग तो ये भी कहते हैं कि उस लड़की की आज भी इस खंडहर से चीखें सुनाई देती हैं।
और वो आज भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। ये सारी बातें राजू बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। ये सुनकर उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। राजू की आंखों के सामने सब साफ साफ दिखने लगा था। बहुत सी धुंधली तस्वीरें राजू की आंखों के सामने बनने लगी थी। राजू वहां से उठकर खंडहर की तरफ अपने आप बढ़ने लगा। आंखों में आंसू लिए राजू ने खंडहर के अंदर पैर रखते ही बोला, मैं लौट आया माही, कहाँ हो तुम? और ये कहते ही मानो वो वीरान खंडहर एक बार फिर जी उठा। राजू को सब कुछ याद आ चुका था। खंडहर देखते ही देखते एक काफी सुंदर घर में बदलने लगा। आसपास के कमरों से लोगों की आवाजें आने लगी और सामने दुल्हन के कपड़ों में माही खड़ी थी, जो रोते हुए बस इतना ही बोली, तुम तो मर के भी जी उठे वीरेन, और मैं तुम्हारे इंतजार में जीते जी भी पल पल मरती रही। अगले दिन राजू की लाश उसी खंडहर के बाहर पड़ी मिली थी। आज इस बात को 30 साल हो चुके हैं, पर अब उस खंडहर से कोई आवाज नहीं आती। कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो वो मरने के बाद भी आपका इंतजार करता है। और ये थी आज की एक कहानी, ऐसी भी।